I already know what giving up feels like. I wanna see what happens if I don't. All our dreams can come true if we have the courage to pursue them. Limitations? There are no such thing as limitations. The only thing holding you back is yourself. Your own views of what is and what is not possible. Your own standards of the great. I got broads in Atlanta. Switched to the lean, the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the band. Meditation, struggle, fight, negative comments, haters, demotivation, frustration, soch, sapne, himmat, taakat, hard work, dedication, motivation, discipline, patience. In sari cheezon ke baad hoti hai shuruaat. Why do I feel like I linger? Linger between the words to say, eh? To say the words to remember. Now we're here to take control over your body and over your soul. We're gonna take back everything and lose it all. Lose it all.
waking up feels like. I wanna see what happens if I don't. All our dreams can come true if we have the courage to pursue them. Limitations? There are no such thing as limitations. The only thing holding you back is yourself. Your own views of what is and what is not possible. Your own standards of the greatness you want to achieve. Your desire. This is Earth Radio. And now here's human music. So this is our Zumba class, and we also have Zumba classes in Muscle Factory too. So if you want to be in Zumba class, you want to enroll yourself, so aap aa sakte ho Muscle Factory too. Timings? Timing is 7:30 Sombar ko ek, Shanibar ko ek. Matlab Monday and Saturday will be the classes, so you can enroll yourself in Muscle Factory two. एड्रेस दे दे रहे. सो ही इज अमन. हाय बोलो. हाय. सो आप एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एड्रेस मिल जाएगा इस जिम का. इफ़ यू लाइक यू कैन यूनियर योर सेल्फ. अभी ऑफर चल रहा है, सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस योर कॉन्टैक्ट आवर ट्रेनर्स और रिसेप्शन में जो है उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका नंबर है, डिटेल्स मिल जाएगा. सो बी ट्यून्ड. So hi guys, this is Rajiv and welcome to my YouTube channel Rajiv Vlogs. And this is the episode, or the, video for something new. मैं जो लाना चाहता था बहुत दिन से, मैं अपने जिम में हूँ Muscle Factory 2, as everyone knows who follows me in Instagram, वो जानते हैं कि मैं Muscle Factory 2 में वर्कआउट करता हूँ. So guys, this is our trainer Anshu Das. So आपके जो क्वेरीज मेरे पास आ रहे थे कि बिगनर्स कैसे स्टार्ट करते हैं, बिगनर्स कैसे ग्रो अप करते हैं, वाई कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, माइनर प्रॉब्लम्स होते हैं जो फेस मतलब करने से पहले ही वो हार मान जाते हैं. सो गाइस लेट मी क्लियर, आज ये सब चीज़ क्लियर हो जाएगा. ओके सो आज हमारे जो ट्रेनर है, सर्टिफाइड ट्रेनर है ये, तो ये बताएंगे हम लोग को कि हाउ बिगनर्स विल स्टार्ट एंड उनके बॉडी के लिए क्या परफेक्ट होता है, क्या इम्परफेक्ट होता है. सो विल डिस्कस अबाउट दैट. सो हाय सर, बताओ हम लोग के फॉलोअर्स की कि कैसे मतलब स्टार्ट किया जाएगा ये चीज, मतलब कैसे स्टार्ट करें हम लोग, या कैसे हम लोग कोप अप करेंगे वर्कआउट के साथ. बहुत सारे ऐसे जन होते हैं कि वर्कआउट करने से पहले ही हार मान जाते हैं एंड दे डोंट मतलब दे स्टार्टली गिव अप. देखो स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग होते हैं वो लोग, देखो यूट्यूब होता है, बहुत सारा वीडियोस फॉलो करते हैं, बहुत सारे बॉडी बिल्डर को एक्टर को फॉलो करते हैं. लोगों को लगता है कि बॉडी इजी है, बन जाएगा, या चलो आते हैं जिम स्टार्ट करते हैं, कुछ भी करेंगे यार बॉडी बन जाएगा, वैसा कुछ नहीं होता. स्टार्टिंग आपको वैसे ही करना होता है जैसे नॉर्मल लोग करते हैं, फिजिकली फिट होता है. आप तो पहले ओल्ड स्कूल में हम लोग कराते थे, जैसे स्कूल में पीटी कराते थे, जैसे स्कूल में एक सेशन होता था पीटी का, तो सिर्फ फिजिकली आपको एक्टिव आपका स्टैमिना बढ़ाने के लिए करते थे. लेकिन अभी क्या हो गया ना कि अभी सारा वो कल्चर ही खत्म हो गया. कल्चर खत्म हो गया, क्या हो गया, डायरेक्ट सब आते हैं क्या, चलो यार इतने में 3 मंथ का प्रपोजल देते हैं कि मुझे 3 मंथ में चाहिए बॉडी, 6 मंथ में चाहिए. ऐसा नहीं होता है. अगर जो अगर बोलते हैं कि 3 मंथ 6 मंथ में आपको फुल बॉडी बना के देंगे, तो भाई आप किसी दूसरी जगह से दूसरे ग्रह दूसरे प्लैनेट पे जा रहे हो. सो गाइस मेक श्योर, अगर आप कोई भी नए जिम में एनरोल कर रहे हो तो प्लीज नेवर, आप कभी भी किसी के बोलने पे मत आए, ठीक है, क्योंकि यू हैव टू मेक योर बॉडी स्ट्रॉन्ग, यू हैव टू वर्क आउट हार्ड एंड डीप, यू हैव टू गो थ्रू हेल टू बी अ परफेक्ट श्रेडेड बॉडी. आपको फिजिक चाहिए, यू हैव टू गो थ्रू हेल. सो गाइस प्लीज किसी के बोलने पे नहीं आए, अपने मेहनत के ऊपर भरोसा रखें. जैसे कि सर ने अभी कहा कि ऐसे बहुत सारे वर्कआउट और ऐसे बहुत सारे जिम हो चुके हैं यहाँ पे हावड़ा में या बाहर भी, जो ऐसा पाथ शो कर देते हैं स्टूडेंट्स न्यू कमर्स लोग को कि बहुत ही गंदा वे में लेके चले जाते हैं. सो बी केयरफुल फॉर दैट. एंड सर जैसे कि बहुत सारे व्यूअर्स ये भी जानना चाहते हैं कि सर कि व्हाट सप्लीमेंट्स डू, व्हाट एक्चुअली सप्लीमेंट्स डू, क्या सप्लीमेंट्स हर सप्लीमेंट साइड इफेक्ट देता है सर. पहली बात, सप्लीमेंट कोई मैजिक ट्रिक नहीं है.
कुछ, वो आपके बॉडी में जाएगा, कोई चमत्कार नहीं हो जाएगा, आपको डे वन डे आपको इंक्रीज नहीं करेगा या आपको कर सकते मान नहीं बना देगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फॉलो करना होगा आपके बैलेंस डाइट, बैलेंस वर्कआउट, फिर उसके बाद सप्लीमेंट भी होगा। ऐसा नहीं कि आपको आज बॉडी में डब्बा दो कल बोलो या तीन महीने बाद तेरे बॉडी खुल जाएगा। अगर कोई बोलता है गारंटी देता है तो भाई वो आपको उल्लू बना रहा है, आप उस उल्लू में मत बने। मैं आपको बोलना चाहूँगा कि कभी इन बातों में फंसे नहीं कि आप सप्लीमेंट खाओगे नेक्स्ट डे आपको बॉडी या तीन महीने बॉडी बन जाएगा। स्टॉप, अगर ये सोच रहे हो तो निकाल दो दिमाग से बात, खुद पे फोकस करो, खुद पे डेडिकेटेड रहो, रोज आओ, रोज वर्कआउट करो, खाना को सही करो। डाइट हमेशा कहा जाता है, कोई भी बड़े ट्रेनर के पास जाओ या कहीं भी जाओ, डाइट का सबसे बड़ा रोल है। यह बात गांठ बांध लो, इस बात पे एकदम खुट्टा कर लो कि ये डाइट नहीं है तो भाई वर्कआउट नहीं है, क्योंकि उस पर कुछ सैक्रिफाइसेस है वो करना होगा, तब जाके एक एक अच्छा फिजिक आपको मिलेगा। सो जैसे कि आपने जाना सप्लीमेंट्स हेल्प करते हैं, बट मेन थिंग द मेन फोरम इज आपके हार्ड वर्क एंड आपका मेहनत। सो गाइस मैं आपको एक चीज बता दूं, बहुत ही फैक्ट चीज है ये चीज। जैसे कि आपका कोई आइडल होगा, जैसे कि मेरे आइडल है विद्युत चैनल है, टाइगर श्रॉफ है, से सर वो लोग भी एक टाइम में बिजनेस हुआ करते थे। एग्जैक्टली, दे आल्सो स्टार्टेड विद जीरो, दे ऑल आर मार्शल आर्ट, या दे ऑल आर एमएमए फाइटर्स, वो लोग भी बहुत मेहनत किए तभी वो लोग आज इस मुकाम में इतने अच्छे फिजिक के साथ आउटपुट लेके आ रहे हैं। सो गाइस प्लीज किसी के बोलने पे ना आए। आई मे बी नो दैट बहुत सारे हेटर्स हैं जो इस चैनल के और हमारे जो हेटर्स है वो ऑब्वियसली नेगेटिव कमेंट्स करेंगे अभी, बट वी स्टिल डोंट गिव अ फक सर। क्योंकि हम लोग ये कमाने के लिए वी डोंट अपलोड वीडियोस फॉर मनी, सीधा हम लोग खिलाफ नहीं है किसी। हाँ, क्योंकि देखो हर चीज का एक अपना अपना एक पोजीशन होता है। अभी जो आप तुमको कोई बोल रहा है कि ये करो वो करो, वो एक लेवल आता है, उस लेवल पे जाने के अगर कोई आप प्रोफेशनली जाने वाले हो या इसको प्रोफेशन में आने वाले तो हाँ मैं उसको सपोर्ट करूँगा कि हाँ सही हो रहा है, लेकिन सही इंस्ट्रक्शन के साथ। आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। ऐसे नहीं कि आपको कोई बोल दे कि ये करो वो करो ये कर लो तो आप ये कर लिए वो कर लिए, वैसा नहीं है। आप जानो उसको अच्छे से, उसको रिसर्च करो, फिर जाके आप हाँ सोचेंगे, जब आप 100% सेटिस्फाई होता कि हाँ ठीक है तो फिर आप जाओ। ऐसे नहीं, इसके खिलाफ नहीं है। सुना गाइस, सो प्लीज इफ यू आर अ बिगिनर और इफ कोई बड़े एथलीट या कोई भी हो तो प्लीज किसी के बोलने पे ना जाए। एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज सर ने ये कहा है कि यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, you have to motivate yourself, you have to torture yourself to grow up. So guys please supplements pe dhyan na de, supplements is not a magic trick as sir ne kaha, kyunki mera jo halat tha I was totally unconscious because aaj mera legs day tha, as everyone knows ki legs day ke din kya hota hai, but I didn't really give up. Main karta gaya, mere se jitna ho gaya main kiya, but still he also matlab he always supported me from every side. And as if sir ने आपको बोला कि अभी की supplements हो कुछ नो, but guys diet is the main forum for main key, the master key of your physique. अगर आप अपने diet को और अपने सब कुछ को maintain करके चलोगे ना तो बहुत अच्छा physique बनेगा आने वाले time में। Diet और mentally strong रहो, mentally strong and the main factor of diet also is water. Water sir, water की मतलब ये बहुत जन बहुत assume नहीं कर पाते, तो अब इसमें कुछ बताओ कि water, what actually water does in body? Water किसी भी अगर आप बोले simple इंसान के अंदर अगर water नहीं होना तो उसको बीमारी लगेगी। बीमारी की वजह भी है वाटर है। अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हो, पानी नहीं पी रहे हो, बहुत सारे लोगों को सप्लीमेंट खाने से कुछ प्रॉब्लम था, सप्लीमेंट खा लिया तो किडनी खराब हो गई है, उन सप्लीमेंट से नहीं हुआ, ये आपके गलत तरीकों से हुआ है। जो आपके अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हो, पानी नहीं पी रहे हो, आप सही तरीके से डाइट नहीं फॉलो कर रहे हो तो जाके सप्लीमेंट आपका लिए आपके लिए जहर है। सिंपल से सिंपल एग्जैक्ट, सप्लीमेंट तभी आपको गलत करेगा जब आप उसके साथ गलत करो। सिंपल सिंपल है यार, कुछ नहीं है इसमें। डू हार्ड, वर्क हार्ड एंड बी हार्ड। सो We all are signing out this time. एक नया एपिसोड लेके आएंगे। If आप लोग सपोर्ट किए, if आप लोग का मन है कुछ और देखने का, प्लीज कमेंट बिलो एंड फॉलो सर। सर का इंस्टाग्राम आई डी यहीं पे कहीं पे रहेगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड बिहाइंड द लेंस इज आवर ब्रो अमन चौधरी, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड थैंक यू सो मच जिनका जिम है, अमन चौधरी, जैकी बंतोस एंड निकिता एंड विकास भैया, थैंक यू सो मच फॉर दिस ऑसम जिम। क्योंकि आई डोंट थिंक सो कैनेडा में इससे अच्छा एनवायरमेंटल जिम कहीं होगा, क्योंकि दिस इज इनसेन। आप कभी विजिट करो, यू विल डेफिनेटली नो व्हाट आई एम स्पीकिंग अबाउट, कैसा है ये जिम।
यहाँ के इन्वायरमेंट बहुत ही फ्रेंडली है। एंड बात रहा वर्कआउट का, तो यहाँ पे वर्कआउट के खिलाफ मतलब अगेंस्ट कुछ नहीं है, बहुत ही इंटेंस वर्कआउट होता है यहाँ पे। जैसा बंदा होता है या जैसी बंदी होती है वैसा वर्कआउट किया जाता है वहाँ पे। हार्ड वर्किंग है यहाँ पे हर एक, जितने भी कमर्स है, जितने जन आते हैं, बहुत ही हार्ड वर्किंग है। सो इफ यू आर इन कोलकाता और हावड़ा, इफ कहीं बाहर से भी आना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ एड्रेस, कम एंड एंजॉय एंड विजिट द मसल फैक्ट्री टू। टिल देन वी आर साइनिंग आउट, दिस इज राजीव एंड दिस इज अंशु सर, एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी, सलाम वालेकुम, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, बूम।